हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे एलोवेरा के सभी वीडियोस को आपने बहुत सपोर्ट किया और आप सब ने कमेंट करके ये कहा था कि एक एलोवेरा जेल को स्टोर करने पर हम वीडियो लेकर आएं। तो आज का वीडियो घर में एलोवेरा जेल बनाने और स्टोर करने के ऊपर ही है। जेल बनाने के लिए आपको एक ग्रीन और मोटी लीफ को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास प्लांट अवेलेबल नहीं है तो आप लीफ को भी मार्केट से खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। जब आप लीफ को कट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें से ऐसा एक लिक्विड निकलेगा येलो कलर का, जो कि एलोवेन लिक्विड होता है। हमें इसे ऐसे वर्टिकली खड़ा कर देना है जिससे ये सारा लिक्विड बाहर निकल जाए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि सारा लिक्विड इस तरह से नीचे कलेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इस लीफ को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना है। अगर आपने जो लीफ ली है वो काफ़ी बड़ी हो तो उसे ऐसे छोटे पीसेस में काट कर उसके कांटे वाले साइड्स को सबसे पहले रिमूव कर देना है और ऊपर की लेयर को छील लेना है। इसके बाद आपको जेल को एक कटोरी में निकाल लेना है। आप नाइफ की जगह स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर मैंने नाइफ से ही निकाल लिया है जेल को, पर आप एक स्पून यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। जो जेल हमने निकाला है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप चाहें तो इस जेल को ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको विस्क कर सकते हैं, फेंट सकते हैं एक स्पून की मदद से ही, और ये जो लम्प्स हैं इनको तोड़ सकते हैं। फिर इस जेल को हमें एक क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स को डालेंगे। दोस्तों, ये कैप्सूल्स आपको इजीली मिल जाएंगी किसी केमिस्ट के यहाँ पर। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। इन कैप्सूल्स को हम सीजर्स की मदद से पंक्चर करके अंदर का सारा ऑयल एलोवेरा जेल में डाल लेंगे। आप चाहे तो विटामिन ई की कैप्सूल्स के अलावा आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी समय तक आपके एलोवेरा की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। आप इसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि लेमन के सीड्स इसमें ना जाएं। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एलोवेरा जेल में, और उसके बाद हम इस जेल को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेंगे। 7 से 8 घंटे बाद इसका टेक्सचर बदल कर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो तैयार है हमारा 100% नेचुरल एलोवेरा जेल, जो कि हमने घर पर ही बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।